राजस्थान के इस ऐतिहासिक एवं सबसे बड़े उच्च शिक्षण संस्था राजस्थान विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे लिए ये क्षण और भी अधिक भावुक करने वाला है क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि सम्मानीय माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में राज्य के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में नियमित दीक्षांत समारोह के आयोजन हो रहे हैं। आज इस दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर विश्वविद्यालय के 9 संकायों की कुल 1,66,000 से अधिक डिग्रियों के साथ ही विभिन्न विषयों में 467 शोधार्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि व 126 मेधावी विद्यार्थियों जिन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं उन्हें गोल्ड मेडल भी दिए जा रहे हैं। मैं इन सभी छात्र छात्राओं को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान दिया। विश्वविद्यालय से जुड़े सभी शिक्षकों विशेष रूप से जिनके सफल प्रयासों से इस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान बनाई है उन्हें भी मैं आज इस अवसर पर सम्मान के साथ स्मरण करना चाहता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को नवीनतम पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होगी। राज्य सरकार इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक समृद्धता को विकसित करने के लिए कृत संकल्पित है। हमारा प्रयास है कि विश्वविद्यालय का सर्वांगीण विकास व अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ इस विश्वविद्यालय के छात्रों को गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा मिले। राज्य की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर यहाँ पर ऐसे शोध हो जो समस्याओं के निदान में नीति निर्धारकों के लिए भी सार्थक मार्गदर्शक व कार्य करें। राज्य सरकार इनके लिए हर स्तर पर विश्वविद्यालय की सहायता करने के लिए तत्पर है। हमारे देश के संविधान के प्रति जन जन को जागरूक करने के प्रति माननीय राज्यपाल महोदय एवं कुलाधिपति महोदय का विशेष योगदान रहा है। आपके निर्देशन में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क का निर्माण करवाया गया है। मुझे भी यहाँ आने से पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक परिसर में नव निर्मित संविधान पार्क के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों को पुनः हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। इस दीक्षांत समारोह में आने का अवसर प्रदान करने के लिए कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा एवं विश्वविद्यालय परिवार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।